हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम सीखेंगे भिन्न का जोर। भिन्न का जोर करना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। ये 3/5, ये एक भिन्न है और ये ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हड़ बोला जाता है। ये ऊपर वाला अंश है और ये हड़ है। और हमारा एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5/6 + 3/2। इसको हमें जोड़ना है, इस भिन्न का जोर करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका जोर करते हैं। तो भिन्न का जोर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे आप दोनों संख्या देख रहे हैं, इसे साइड में कहीं पे भी आपको दोनों का एलसीएम कर लेना है। एलसीएम तो आता होगा, यदि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये जो है इस प्रकार से एलसीएम करना पड़ता है नीचे वाले दोनों का। तो कितना से क्या कैसे एलसीएम करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से 2 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम का एक नियम है क्या कि जितना से भी डिवाइड करेंगे, हमको ये देखना है कि कम से कम 2 संख्या उससे कटना चाहिए। जैसे कि यहां पर ऑलरेडी 2 ही है, दोनों 2 से कट रहा है कि नहीं। यदि कटेगा कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कटे, लेकिन 2 संख्या कम से कम वो संख्या से कटना चाहिए। तो जब मैं यहां 2 ले रहा हूं तो 2 3 6, 2 1 2 दोनों कट गया, इसलिए मैंने यहां 2 लिया। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 5, लेकिन वो ये देखना है कि ये 2 कट रहा है कि नहीं उससे। तो दोनों कट गया। अब इसका 2 × 3 ये गुना करके हम मेरा एलसीएम आ गया 6। आप एलसीएम कितना आ गया 6। तो उस एलसीएम को यहां पे लिखना है, बट्टे दे करके इसके नीचे लिखना है 6। उसके बाद इस 6 को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। ये नीचे वाले से इस नीचे वाले को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 6 × 1 आएगा। इस 1 को आप साइड में लिख लीजिए, मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, आपको नहीं लिखना है बस सीखने के लिए। इससे नीचे वाले से इस नीचे वाले को डिवाइड करना है, 6 × 6 आएगा 1 यानी 1। इस 1 से आपको इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ गया। फिर बीच में क्या है, एडिशन यानी प्लस है, प्लस का निशान लगाएं। फिर इस नीचे वाले से इस नीचे वाले को डिवाइड करना है, यानी कि 2 से 6 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से जो 6 को भाग लगाएंगे, 2 3 6 कितना आएगा, 3। मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, इस 3 से इस नीचे वाले से डिवाइड करने से कितना आया, 3। अब इस 3 को क्या करना है, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से गुणा कर देना है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 3 9 यहां पर लिख देना है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को सिंपल जोड़ दीजिए, 9 और 5 यानी 5 और 9 कितना हो गया, 14/6। इस प्रकार से जो है किसी भी संख्या का भिन्न का भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो उसका जोर इस प्रकार से किया जाता है। ये ट्रिक आप यही सेम घटा के लिए भी होता है, बस बीच में यहां पर माइनस होता, यहां अगर माइनस होता तो हम यहां माइनस लगाते और इन दोनों को घटा देते। इस प्रकार से आप भिन्न का घटा को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के सीरीज और भी लाते रहेंगे नए नए ट्रिक्स मैथ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।